Please subscribe my YouTube channel and watch full video. Thanks. हमारा खाना भी तैयार हो गया है और खाने में आज मैंने बनाया देसी मुर्गी का सालन और साथ में है रोटियां। तो अभी मुझे लगी है भूख तो मैं लगी हूँ खाना खाने। तो जिस बहन भाई ने खाना है तो हमारे साथ आकर खाना खा सकता है, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप क्या सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अपने चैनल फातिमा फैमिली ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आप सब बहन भाई से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बहन भाई को मिलता रहे। तो आज के ब्लॉग में मैं बना रही हूँ देसी मुर्गे का सालन, जो कि मैं आप सब बहन भाई के साथ शेयर करूंगी। तो आप सब बहन भाई मेरी वीडियो के साथ ही रहना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना। तभी चले करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। सालन जो यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दिया है और अभी इसके अंदर मैं सारे जो मसाले वो ऐड कर दूँगी। मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं तो अभी इसको ढाँप देते हैं मिक्स करने के बाद और इसको लो फ्लेम पर पकने देते हैं जब तक हमारा सालन जो तैयार होता है। उतनी देर में मैं बना लेती हूँ सालसे का शरबत। तो ये देख सकते हैं शरबत जो हमारा यहाँ पर हो गया तैयार। तो यहाँ पर मैंने दो बोतलें इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और अब इनके अंदर जो मैं शरबत है वो डाल लूँगी। शरबत भी मैंने बना के फ्रिज में रख लिया था और अभी देखते हैं सालन को। तो सालन में अभी हमारे ना पानी है, इसको ना थोड़ी देर और पकने देते हैं। तो उतनी देर में मैं गूंद लेती हूँ आटा। आटा जो मैंने यहाँ पर गूंद लिया है तो अभी सालन को देख लेते हैं। तो अभी देख सालन का जो पानी है ये देखिए बिल्कुल जो है खुश्क हो चुका है। तो अभी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी घी और घी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। सालन जो हमारा तैयार हो गया है ये आप लोग भी देख सकते हैं, माशाल्लाह देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ।
मुझसे सवाल किया है, बता क्यों आया है और क्या करें। मैं हूँ सिवा, क्या करते हैं ये सब कुछ तो आप देख सकते हैं। हमारा शाम का रोटी और सालन यहाँ पे हो चुका है तैयार। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग जो आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।